वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आरके कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्लासेस में। जैसा कि हम अकाउंटिंग के अंदर फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर पढ़ रहे थे, और इसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था इनकम स्टेटमेंट, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझा था। आज हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसका पार्ट सेकेंड इनकम स्टेटमेंट के बाद हम पढ़ेंगे पोजिशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। उससे पहले हम थोड़ा रिवाइज़ कर देते हैं कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या पढ़ा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फाइनल अकाउंट हम ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर पढ़ रहे हैं, ना कि किसी कंपनी के फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं। और फाइनल अकाउंट और सोल प्रोप्राइटर के अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और पी एंड एल अकाउंट के अंदर आपका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हम रिवाइज़ कर देते हैं कि जो हमारा परफॉर्मा था ट्रेडिंग अकाउंट का, वो इस प्रकार था कि सबसे पहले हमें क्या करना होता था कि जो भी हम बिज़नेस शुरू करते हैं उसमें कुछ ना कुछ स्टॉक रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। और वो ओपनिंग स्टॉक हमें कहाँ से मिलता है, लास्ट ईयर से मिलता है। उस ओपनिंग स्टॉक से हम पूरा ईयर काम तो नहीं कर सकते, तो हमें कुछ परचेज़ करना होता है, और उस परचेजेस का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो हमें रिटर्न करना पड़ता है किसी रीजन से। तो परचेज रिटर्न किसी भी रीजन से हुआ, उसको हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। चाहे वो नॉर्मली परचेज रिटर्न हो, चाहे वो यूज़ ऑफ गुड्स अदर देन सेल्स हो, उनको हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हम परचेजेस करते हैं, परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक का जो टोटल कहलाता है, वो टोटल आपका अवेलेबल स्टॉक फॉर सोल्ड कहलाता है। उस स्टॉक को अपनी शॉप पर लाने के लिए, परचेजेस के लिए जो हम एक्सपेंसेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं, जैसे आपका फ्रेट ऑन परचेज रहा, जो भी खर्चा हमें अपनी शॉप पर लाने का किया हमने, वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। फिर हम क्या करते हैं, जो भी हमने ये परचेजेस किया है और उस पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस किया है, सबका पर्पस ये है कि हम सेल करके क्या करें, प्रॉफिट अर्न करें। तो हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। सेल आता है क्रेडिट साइड में, हम लिखते हैं बाय सेल्स अकाउंट, और सेल्स में से हम सेल्स रिटर्न को लेस कर देते हैं। और जो हमारे पास स्टॉक बचता है अनसोल्ड स्टॉक, हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो उसको हम बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक पर हम एक एडजस्टमेंट भी पढ़ेंगे आगे। फिर हम क्या करते हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट साइड होता है, उसको टोटल करते हैं, उसमें से डेबिट के जो भी ओपनिंग स्टॉक परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें लेस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है। और इस ग्रोस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ग्रोस प्रॉफिट। इस ग्रोस प्रॉफिट में हम किसको ऐड करते हैं, वो इनकम जो हमें सेल्स के कारण या गुड्स के कारण हुई हैं, उन्हें हम क्या कर देते हैं, बाय इनडायरेक्ट इनकम कर देते हैं। बाय इनडायरेक्ट इनकम के अंदर हम ये भी ले सकते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स हुआ है, या बिजनेस के ऑपरेशन से जो भी हमें इनकम हुई है, उसको हम बाय इनडायरेक्ट इनकम के अंदर लिखते हैं। फिर होता क्या है कि जो हम गुड्स को जब हम सेल करने के लिए शॉप पे लाते हैं, तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो सेल्स से पहले और सेल्स के बाद होते हैं। सपोज़ मान लीजिए हमें अपने कस्टमर को इन्फॉर्मेशन्स देनी है कि हम गुड्स यहाँ पे बेच रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं, हम एजेंट्स के थ्रू उन्हें कमीशन्स के थ्रू हम सेल कर रहे हैं, हम उनको सेलिंग के लिए जो भी खर्चा कर रहे हैं, और सेलिंग जब उनका ऑर्डर आएगा हमारे पास, तो उस चीज़ को उनके पास पहुंचाने के लिए जो भी हम खर्चा कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो वो सारा क्या कहलाएगा आपका, वो क्या कहलाएगा आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ब्रैकेट में लिखा भी है, रिलेटेड विद ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। फिर हम बात करेंगे, जैसा कि असेट्स को बेचने से प्रॉफिट्स होता है, तो उसको हम इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। ऐसे असेट्स को बेचने से कोई लॉस होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। कुछ अदर आइटम भी आएंगे, जैसा कि हमने पहले भी क्लासों में पढ़ा है कि वेजेस और सैलरी जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, और सैलरी एंड वेजेस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो यहाँ पे हम सैलरी अकाउंट को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखेंगे। इसके अलावा रेंट हुआ, इंटरेस्ट रहा, जो भी अदर एक्सपेंसेस हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे और उसमें से डेबिट का टोटल लेस करेंगे। जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट कहलाएगा। और ये जो नेट प्रॉफिट था, ये हमने कहाँ से रिसीव किया, ये हमने पी एंड एल अकाउंट को बना के किया। ये जो आपका स्टेटमेंट था, इसका फर्स्ट हाफ जो था वो ट्रेडिंग अकाउंट था, और जो सेकंड हाफ था वो क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। अब हम बात करेंगे, जो आज का टॉपिक है वो क्या है, पोजीशन स्टेटमेंट या बैलेंस शीट। पोजीशन स्टेटमेंट या बैलेंस शीट्स जो है,
एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, हमें ये आइडेंटिफाई करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशंस थी असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, उसके अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन हमारे पास आए हैं। और जो हम असेट्स और लायबिलिटीज का अरेंजमेंट करते हैं पोजिशन स्टेटमेंट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, वो हम दो मेथड से करते हैं। पहला क्या है आपका लिक्विडिटी मेथड और दूसरा क्या है परमानेंस मेथड। लिक्विडिटी और परमानेंस मेथड को समझने से पहले हमें असेट्स के क्लासिफिकेशन को समझना होगा और लायबिलिटीज के क्लासिफिकेशन को समझना होगा। जैसा कि हमने पहले ही भी पढ़ा था कि जो लायबिलिटीज होती हैं उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है कैपिटल, दूसरा होता है आपका नॉन करंट एंड करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि करंट और नॉन करंट वर्ड है क्या। ऐसे ही असेट्स के अंदर भी क्या रहता है, टू पार्ट्स होते हैं, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। जब हम लिक्विड मेथड के अंदर होते हैं तो हम लायबिलिटीज में पहले करंट को लिखते हैं और करंट में भी उस लायबिलिटीज को पहले लिखेंगे जिसको हमें जल्दी पे करना है, और फिर लिखेंगे हम नॉन करंट लायबिलिटीज को लिखेंगे, देन कैपिटल को हम लिखते हैं। और असेट साइड में भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले करंट असेट्स को लिखते हैं, वो असेट्स जिनसे हमें पैसा जल्दी मिलने वाला है, जैसे कैश इन हैंड रहा, कैश एट बैंक रहा, और उसके बाद उस असेट्स को लिखते हैं जिससे पैसा उससे लेट मिलेगा। फिर उसके बाद हम करंट असेट्स के बाद हम लिखते हैं नॉन करंट असेट्स को लिखते हैं। नॉन करंट असेट्स के अंदर जैसे आपका फिक्स असेट्स रहा, आपका मशीनरी रहा, फर्नीचर रहा, फिर आपका इंटेंजिबल असेट्स रहा, गुडविल रहा, पेटेंट्स रहा, तो हम इनको इस तरीके से लिखते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि ये करंट और नॉन करंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक सब्जेक्ट का टॉपिक आएगा जिसका नाम था वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ये बताता है कि बिज़नेस के अंदर एक ऑपरेटिंग साइकिल रहता है और वो ऑपरेटिंग साइकिल हम नॉर्मली वन ईयर का मानते हैं। तो ऐसी असेट्स और ऐसी लायबिलिटीज जो उस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर फॉलो होती हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। यदि वो असेट्स फॉलो हो रही है, वो असेट्स उस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ रही है तो वो करंट असेट्स है, और यदि वो लायबिलिटीज उस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ रही है तो वो क्या है, आपकी करंट लायबिलिटीज़ है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हैं कि यदि हम करंट असेट्स में डेटर्स को लिखते हैं तो करंट लायबिलिटीज़ में उसका उल्टा आ जाएगा क्रेडिटर्स। ऐसे ही हम जब करंट असेट्स में बिल्स रिसीवर को लिखते हैं तो करंट लायबिलिटीज़ में उसका उल्टा आ जाएगा, बिल्स पेबल आ जाएगा। तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को हमने इस प्रकार समझा। अब हम बात करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज़ की। जैसा कि हमने बात की थी कि बिज़नेस के अंदर वर्किंग कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो ये बताता है कि वो असेट्स लायबिलिटीज़ जो वर्किंग कैपिटल के अंदर आती हैं उन्हें हम करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। मोस्टली वो असेट्स ऐसी असेट्स होती हैं कि जिनसे हमें पैसा एक साल के अंदर मिल जाता है, वो होती हैं करंट असेट्स। और वो लायबिलिटीज़ ऐसी लायबिलिटीज़ होती हैं जिनको हमें एक साल के अंदर पे करना होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज़ की और नॉन करंट असेट्स की। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि नॉन करंट जो वर्ड है ये क्यों ले रहे हैं। नॉन करंट वर्ड हम इसलिए ले रहे हैं कि अब जो हम लायबिलिटीज़ पढ़ेंगे वो ऐसी रहेंगी जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर नहीं आएंगी, और अब जो हम असेट्स पढ़ेंगे वो भी ऐसी रहेंगी जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर नहीं आएंगी। ये इसलिए ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर नहीं आती क्योंकि इसके अंदर हमें मोर देन वन ईयर जो कंज्यूम होता है, चाहे वो लायबिलिटीज को पे करने में हो, चाहे वो असेट्स से कैश कन्वर्ट करने में हो। तो हमें यहाँ पे थोड़ा समझ लेना है कि इनके एग्जांपल क्या क्या हैं। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर जैसे लोन है आपका, इसके अलावा जो भी आपके मोर्गेज लोन हैं, जो भी रिजर्व हैं, उनों का नॉन करंट लायबिलिटीज़ है। नॉन करंट असेट्स के अंदर हम देखें तो नॉन करंट असेट्स के अंदर आपकी टेंजिबल असेट्स, फिक्स असेट्स, मशीनरी हुआ, फर्नीचर रहा, इसके अलावा आपकी इंटेंजिबल असेट्स रहा, गुडविल रहा, तो ये कहलाएगी नॉन करंट असेट्स कहलाएगी, क्योंकि इनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मोर देन वन ईयर कैश में कन्वर्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो हमने लिक्विड मेथड पढ़ा इसको बनाने का तरीका क्या था, कि हमें लायबिलिटीज़ में पहले करंट को लिखना है और असेट्स में भी करंट को लिखना है, और करंट लायबिलिटीज़ और करंट असेट्स में भी पहले उनको लिखना है जो कैश पर इफ़ेक्ट पहले करती हैं। जैसे लायबिलिटीज़ के अंदर वो जो कैश को सबसे ज़्यादा कैश आउटवर्ड होता है जिनके कारण, और देन उस लायबिलिटीज़ को जिसके उसके बाद कैश आउटवर्ड होता है, ऐसे असेट्स के अंदर उन असेट्स को पहले जिनसे कैश इनवर्ड सबसे पहले होता है, देन उसके बाद उस असेट्स को जिसका कैश आउटवर्ड
वो कैश इन्वर्ड उससे बाद में हो। तो इसी सीक्वेंस में यदि हम देखें, यदि हम करंट असेट से समझें तो कैश इन हैंड सबसे पहले हमें कैश में कन्वर्ट है ऑलरेडी, कैश और बैंक भी कैश में कन्वर्ट है। देन हम इन्वेस्टमेंट को लेते हैं, फिर डेटर्स को लेते हैं, फिर हम अपने स्टॉक को लेते हैं। तो ये सब क्या रहते हैं आपकी एक साइकिल में लिखे जाते हैं, इस सीरियल में ही हम इन्हें लिखेंगे। और जब हम बात करेंगे लिक्विड मेथड की, तो लिक्विड मेथड तभी हम फॉलो करेंगे जब हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको लिक्विड मेथड से बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन नहीं तो हम बैलेंस शीट किससे बनाएंगे? बैलेंस शीट हम बनाएंगे किससे? फिक्स मेथड से बनाएंगे। अब हम बात करते हैं कि फिक्स मेथड है क्या। यदि आप देखें तो फिक्स मेथड के अंदर हमने देखा है कि जो आपका लिक्विड मेथड था और जो फिक्स मेथड था, उन दोनों में अंतर यही आ रहा है कि जब हम लिक्विड मेथड के अंदर थे तो लाइबिलिटीज में नॉन करंट को बाद में लिखते थे, करंट को पहले लिखते थे। जबकि यहाँ हम उल्टा कर रहे हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को पहले लिख रहे हैं और करंट लाइबिलिटीज़ को बाद में लिख रहे हैं। ऐसे ही जब हम लिक्विड मेथड में थे तो असेट साइड में नॉन करंट को बाद में लिखते थे, करंट को पहले लिखते थे। यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं, नॉन करंट को पहले लिख रहे हैं और करंट को बाद में लिख रहे हैं। और अंदर की सीक्वेंस भी एज इट इज़ हमने वो चेंज कर दी है। जैसे कि आप देखें नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में कैपिटल पहले लास्ट में था, वो पहले आ गया। करंट लाइबिलिटीज़ में आप देखें कि क्रेडिटर जो था सबसे लास्ट में था, जो बैंक ऑर्डर सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले आ गया और क्रेडिटर लास्ट में चला गया। ऐसे आप नॉन करंट असेट्स में देखें तो गुडविल पेटेंट जो बाद में थे वो पहले आ गए और फर्नीचर और मशीनरी लास्ट में चले गए। ऐसे आप करंट असेट्स में देखें तो कैश इन हैंड कैश बैंक जो सबसे पहले थे वो अब लास्ट में चले गए और स्टॉक पहले आ गया। तो ये जो अपना मेथड था, ये कौन सा मेथड था आपका? परमानेंट मेथड था। मोस्टली जब क्वेश्चन में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो परमानेंट मेथड से ही बनाते हैं। तो हमने इस लेक्चर के अंदर यही पढ़ा कि कैसे हम बैलेंस शीट के लिक्विड और परमानेंट मेथड्स में हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लेंगे और उससे पहले हम थोड़ा एक एडजस्टमेंट भी समझ लेते हैं कि जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट भी हमें क्वेश्चन में दिए जाते हैं। जैसे आप देखें, सबसे पहले दिया हमें क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, पहले हमें उसकी मीनिंग समझना है, देन हमें उसका एंट्री समझना है, देन हमें उसका प्रेजेंटेशन समझना है। क्लोजिंग स्टॉक नेम से ही क्लियर है, वो स्टॉक जो एट द एंड ऑफ द पीरियड है, चाहे वो कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर को, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को। ये जो कैलेंडर ईयर का एंड होगा भी वो आपका इस साल में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम बात करें कि हम 2019 की बात कर रहे हैं तो 31 दिसंबर 2019 हुआ। यदि हम करंट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं तो 2018 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, तो 31 मार्च 2019 का जो स्टॉक रहेगा वो क्या रहेगा आपका? बोलो, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशंस में क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया रहता है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया जाता। बी पॉइंट जो लिखा हमने ये लिखा है, स्टॉक इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज ए क्लोजिंग स्टॉक। अब बात करेंगे वैल्यूएशंस की बात। जब हमें स्टॉक के दो प्राइस देता है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो हम उसका वैल्यूएशन उस प्राइस पे करते हैं जो दोनों में से कम हो। जैसे हम देखें, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड ऑन मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस। सबसे लास्ट हमें दिया है कि जो क्लोजिंग स्टॉक रहता है उसको हम क्या मानते हैं? एज ए करंट असेट्स मानते हैं। करंट असेट्स हम क्यों मानते हैं? क्योंकि हमने लास्ट अभी पढ़ा था कि जो करंट असेट्स होती हैं वो असेट्स रहती हैं। करंट मीन्स शॉर्ट टर्म और असेट्स मीन्स रिसीवेबल। वो असेट्स जिनसे हमें पैसा शॉर्ट टर्म में मिलता है उनको हम क्या बोलते हैं? करंट असेट्स बोलते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा करंट असेट्स होता है। हमने अभी मीनिंग समझा क्लोजिंग स्टॉक का चार पॉइंट्स के अंदर। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी एंट्री हम कैसे करते हैं। जैसा कि आपको पता है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे। तो उसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखने का मतलब ये हुआ कि जो कंसर्न अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट, वो एंट्री में क्रेडिट होगा और क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? डेबिट होगा। तो हमने जो इसकी एंट्री बनाई वो ये बनाई, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट बनाई हमने। ये एंट्री हमारी एडजस्टमेंट एंट्री कहलाती है। वो नरेशन में हमने लिखा बीइंग क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रांसफ़र किया है हमने। देन हम देखें प्रेजेंटेशन एंड फाइनल अकाउंट। सबसे फॉरमोस्ट जो प्रेजेंटेशन हमारा बहुत ज़रूरी है क्लोजिंग स्टॉक का समझना, क्योंकि जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो हमें
ना मीनिंग काम में आएगी, ना एडजस्टमेंट एंट्री काम में आएगी। हमारे काम क्या आएगा, फाइनल अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक का प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, एक तो ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं। दूसरा, बैलेंस शीट के अंदर हमें पता है कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है, करंट असेट्स है, तो बैलेंस शीट के असेट्स के अंदर हम इसको करंट असेट्स में हम शो करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। तो अब हमने ये देखा कि कैसे हम ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट बनाते हैं और उसके अंदर जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उनको हम कैसे शो करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक न्यूमेरिकल लेंगे जिसके अंदर हम ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट को समझेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए। थैंक।